MSG द मैसेंजर, MSG द मैसेंजर, MSG द सन ऑफ गॉड, ऐसे काफी नाम थे। तो वो कहने लगे क्या गुरु जी हम इस नेम को चेंज करके करवा सकते हैं। तो हमने कंपनी को बोला जो आपको ठीक लगता है वो वाला नाम रख दें। तो उन्होंने फिर हम जब प्रमोशन पे गए थे तो उन्होंने बोला गुरु जी आप ये ट्वीट करें कि MSG द मैसेंजर। वजह क्या इसकी? हमें ये कुछ नहीं बोला, कहते गुरु जी इस नाम में थोड़ा अगर बदलाव ला दें तो हमने कहा ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं। द मैसेंजर एक मैसेंजर फकीर है, संत है, वही बताने आया। तो आप जी क्या ये नेम चेंज का सेंसर बोर्ड के साथ में जो पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए किसी भी तरीके से कुछ लेना देना है? नहीं, सेंसर बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऑलरेडी वो पास हो चुका था। जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। अच्छा, ये अपना पंजाब में बैन किया था पिक्चर को, क्या टाइटल चेंज करने से रिलीज होगी वहाँ पे? पंजाब में लोगों को बोला गया है, वहाँ बात भी की गई है, तो वो कहते हैं हम देखेंगे, अभी शायद वो बोल रहे थे आज या कल में कि हम देखेंगे और बताएंगे कि क्या हम इसे रिलीज कर सकते हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। फिल्म 13 फेब को रिलीज हो रही है, क्या जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म रॉय को टक्कर देने का पूरा इरादा है आपका? हम किसी को कोई टक्कर नहीं देते बेटा, हमारा इरादा है कि ये हर बच्चे बच्चे तक पहुंचे और जो चेंजेस हम समाज में लाना चाहते हैं उससे वो चेंजेस आएं और यूथ हमारा आगे बढ़े और अच्छी शिक्षा ले।